विधायक जी आज को जो गाँव को कार्यक्रम हो क्या उनको लगे? देखो मैं सोचूं कि यहाँ को कार्यक्रम तो कोई बिरला लोग ही कर सके, क्योंकि जी प्रकार सिंह डाक साहब अर्जुन सिंह जी जयपुर हॉस्पिटल कर रखे हैं और ये गांव भगतपुरा में दादी साह की याद में किशोर कुंवर जी की याद में जी प्रकार को आज अठे वो चिकित्सा को शिविर आयोजन किए गए और इस शिविर में हजारों की संख्या में अठे बहुत सारे पेशेंट उठाया है और खुद मन भी लोग चला चला पूछो क्यों जी वो डॉक्टर साहब अठे कोई मेड़ो लगाया है कोई चिकित्सा शिविर वो तो माने भी वो बताओ एड्रेस करना सी देखेगा तो मैं क्यों भाई तो दो दिन अठे ही लाग रहे हैं। तो वास्तव में सोचूँ कि यहाँ को काम बहुत कम ही क्षेत्र में तो देखने ने मिले, क्योंकि डॉक्टर की टीम एक अनुभवी डॉक्टर विभिन्न प्रकार का चाहे नेत्र रोग है चाहे हड्डी रोग है चाहे विशेषज्ञ डॉक्टर है तो ये सब प्रकार का डॉक्टर हटाया है। तो मैं सोचूं कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लोगों ने विभिन्न प्रकार की जांच करी है तो विश्व पतो चल जाए, क्योंकि यहाँ को आयोजन यदि मना दो मनाओ भी हुए तो मतलब मैं सोचूं कि लोगों बहुत एक बेनिफिट मिल सके। विधायक जी जाके आप अठे कही है कि दौध का एक लोकप्रिय विधायक हो, तो मैं चाहवा कि आप विधायक विधानसभा के मायने आपने जो क्षेत्र है और भी जगह डॉक्टर है बने भी मोटिवेट करोगे आप गाँव के मायने या उनको चिकित्सा कैंप लगाए, क्योंकि आपकी बात कोई कुंटाड़े। बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कह के आपने ये विधानसभा धोध का विशेषज्ञ डॉक्टर काफ़ी है, खूब है, मतलब अपने विधानसभा का जगह जयपुर भी है जयपुर के बारे भी है, तो बाने भी एक बार विशेष आग्रह कर सें कि आपका क्षेत्र में चाहे 5 आदमी की टीम हुए लेकिन एक विशेष प्रकार को आयोजन किया जाए भी आपका जो गाँव का आस पास का लोगों ने यदि कोई भी आपकी सेवा को लाभ मिल सके यदि भी आपकी विशेषज्ञता को कोई ने लाभ मिल सके तो मैं सोचूं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छा एक विधायक जी जहाँ अठे माँ के आस पास में खूड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जबकि अठे बहुत सारा गांव है जगह आवे क्योंकि डेली मार ख्यालू 100 ज़्यादा OPD बैठे रहे, तो बैठे ने अब जरूरत है कि इन्हें CSC के मायने आ गए अपग्रेड कराया जाए भी के लिए कोई प्रयास? देखो वैसे तो क्या है कि अपने अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें लोसल में उपजिला अस्पताल दिया है, क्योंकि ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मांग थी। हो सकता है कि हमारे पास में क्योंकि जो PSC है उनको क्रमानुसार जैसे खूड का नाम लिया CSC होनी चाहिए लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इधर हम यदि पश्चिमी विधानसभा अपने धोध में देखें तो इस साइड में मतलब पूरे ज़िले में 2 अस्पताल हुए हैं, राजस्थान में देखें तो 7-8 ही हुए हैं और उन 7-8 में अपने को उपजिला अस्पताल मिला है, तो यहाँ सेवाएँ बढ़ जाएगी, डॉक्टर अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर बैठेंगे तो इससे हमारे क्षेत्र को काफ़ी लाभ मिलेगा। और बाकी जो व्यवस्थाएँ हैं राजस्थान में ये कह सकते हैं कि अपना जो धोध विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि खुद हमारे जो चिकित्सा मंत्री हैं उन्होंने खुद ने कहा था कि आपकी व्यवस्थाएं राजस्थान की अपेक्षा कर 70% आप अधिक हो, आपकी बढ़िया कह सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, ऐसे छोटे PSC हैं उनको CSC करना PSC करना ये क्योंकि ये तो चलता रहेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के हिसाब से हमें ये प्रयास करना चाहिए। एक मैं जब भी खूड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाऊँ तो बैठे सबसे बड़ी समस्या आजकल है जांच करवाड़ो कोई मतलब वो जो को जांच करवाड़ो है ना वो को नहीं बैठा। एक ये आप जो बता रहे हैं ये सही बात है कि हमने अभी भी प्रयास किया था कि अभी वो लैब टेक्नीशियन का पोस्ट है कोई लैब टेक्नीशियन तो उसमें लैब टेक्नीशियन के मेरे को पता है उसमें तो हमने कहा था लेकिन क्या है कि वो जो भी पोस्टिंग दी गई वो मेरिट के आधार पर दी गई तो मेरिट के आधार पर अपने शिखर में यहाँ पर नंबर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर अपनी पोस्टें ऑलरेडी फुल है और तो अभी संविदा पर कुछ लोग लेंगे तो उसमें हम प्रयास करेंगे हमारे खूड में जल्दी लगे संविदा पर या घटे कोई जी यहाँ कम यदि पेशेंट आया दूसरा आसपास में तो बिना डेपुटेशन पर भी लगवाया जा सके? नहीं वो आप जो कह रहे हैं यहाँ पर जो अपने आसपास में कम है लेकिन फिर अभी ये अतिशीघ्र क्योंकि इसकी प्रक्रिया चल रही है और डेपुटेशन पर नहीं होते हम इसको संविदा पर लेंगे। अच्छा आज भगतपुरा आया हो तो अठे भी कोई सौगात देर जासी होगे भगतपुरा प्रधान जी भी कई दिनों के आ गया विधायक जासी ना कि इनकी तो घोषणा कर जासी। देखिए हमारा इस गांव से इस पंचायत से वैसे पूरे धोध विधानसभा से हमारा पूरा लगाव है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस क्षेत्र के विकास में भागीदारी निभाएं। मैं कोई न तो जनता पर कोई एहसान कर रहा हूँ क्योंकि जनता की जो मुझे दायित्व दिया उसको मैं निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो पिछली दफा पर यहाँ पर जो MLA था तो मैं अंतिम समय में इसको स्कूल को कर्मनुत करके गया था बिल्कुल और उसके बाद में मेरे को ये कहा कि यहाँ पर कोई कंप्यूटरों की आवश्यकता है तो वो भी मैंने दिए थे। अभी भी गांव की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान अवश्य करेंगे, जो भी ये
मेरे लायक कोई भी काम होगा तो मैं वैसे क्योंकि इनसे मिलता रहता हूँ, गांव में आता जाता रहा हूँ, तो मेरे लायक कोई भी काम होगा तो हम इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद विधायक जी। धन्यवाद।